Hello students, welcome back for the second part of the solutions for ISI entrance exam 2023. तो इस पार्ट पे हमारे पास तीन क्वेश्चंस है एज यूजुअल 4, 5 और 6. तो इन तीन क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कंसेक्यूटिव जीरोस गिनने के लिए बोला है. तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि ये ऑल्दो इट सीम्स लाइक ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, पर वो है नहीं, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है. देखिए कंसेक्यूटिव जीरो इज एडजेसेंट टू द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, मतलब यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट होगा उसके राइट साइड में तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो लेफ्ट साइड में ही होगा. तो लेफ्ट साइड में कितने जीरोस होंगे? देखिए ये 401 टू द पावर 50 है ना, तो इसको 1 प्लस 400 टू द पावर 50 लिखिए. अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, NC1 इंटू 400 हो जाएगा, 1 को छोड़ दिया, फिर NC2 इंटू 400 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा. लास्ट वाला पार्ट आप भूल जाइए क्योंकि क्या होगा उसको करके. आप ये फर्स्ट पार्ट देखिए तो 1 प्लस NC1 क्या होता है, 50 इंटू 400 तो 20,000. अब ये NC2 क्या है, ये 50 इंटू 49 बाई 2 है राइट, और 49 बाई 2, और 400 स्क्वायर में एटलीस्ट कितने जीरोस है, 4 जीरोस है राइट. तो यहां पे मैं लिखता हूं 16,000 राइट, एटलीस्ट इतने जीरोस हैं. तो अब सवाल होता है कि टोटल में कितने जीरोस होंगे. तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप 400 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहां पे 50 का भी एक जीरोस है, तो वहां पे एटलीस्ट मल्टीप्लाई करके 6 जीरोस तो आने ही है क्योंकि आप 2 यूनिट्स वाले डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट. 16,000 से आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं पे जीरोस बढ़ जाएगा, और फिर उसको एक और नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट. 16 में 2 पावर 4 है तो उसमें 2 स्क्वायर है, और यहाँ पे 25 में 5 का 2 पावर है स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का जो 2 पावर है वो 5 के 2 पावर से मल्टीप्लाई होकर आपका 10 का 2 पावर देगा, जिसके लिए 2 जीरोस और बढ़ जाएंगे. तो आपका यहाँ से एटलीस्ट 6 जीरोस तो आए, एटलीस्ट 6 जीरोस आ रहे हैं, ये वाला पार्ट समझ लीजिए. और बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं. तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके क्या हुआ, 20,001 राइट, और यहाँ पे भी क्या है उसको भूल जाइए. तो हमारा नंबर दिखने में कैसा आ रहा है, यहाँ पे है, अगर मैं इक्वल्स लिखूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा देखिए 20,001, ये 5 डिजिट का है तो 02001, एक और जीरो सॉरी 1, और यहाँ पे आगे कुछ भी हो जाएगा जो इस यहाँ वाला पोर्शन जो हमने कैलकुलेट किया उस पर डिपेंड करेगा. तो देखिए यूनिट्स डिजिट के साइड में कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस हुए राइट, तो ऑप्शन नहीं ठीक है. अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो ड्रॉ करते हैं. हाइपोटेन्यूज एसी है ठीक है, ये 1 है ये बी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी इंटरसेक्ट्स एबी ACB, अच्छा ये वाला इंटरसेप्ट AB एट D ठीक है कर दिया. अब BC का लेंथ दे दिया है X, तो CD का लेंथ कितना है ठीक है, तो इसको आप अल्फा मान लो, इसको भी आप अल्फा मान लो, बाइसेक्ट कर रहा है ना तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. तो अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB में cos 2 अल्फा क्या होने वाला है, ये तो आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा आपका x हो जाएगा. जैसे ही आपका cos 2 अल्फा x हो गया तो अल्फा को, cos 2 अल्फा को तोड़ दीजिए, अब 2 cos square अल्फा माइनस 1 कर दीजिए इक्वल टू x, तो यहां से cos अल्फा क्या आ जाएगा, यहां से cos अल्फा आपका आ जाएगा रूट ओवर x प्लस 1 बाई 2,
इतना तक क्लियर हुआ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में, वो सीबीडी में देखिए। अगर आप सीबीडी में चेक करेंगे तब देखना एक्स बाई इन ट्रायंगल सीबीडी, देखिए ये वाला बड़े ट्रायंगल में था, एबीसी में, ठीक है। अब सीबीडी में चेक करते हैं, सीबीडी में क्या होने वाला है, ये देखिए जो हमको निकालना है वो वाला पार्ट, मतलब एक्स इक्वल टू सीडी वाले पार्ट में। तो सीडी पार्ट में ये भी फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये एक्स बाय सीडी इक्वल टू कॉस अल्फा आने वाला है, राइट। तो सीडी क्या हो जाएगा, एक्स बाय कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट टू बाई रूट एक्स प्लस वन। तो अगर एक्स को अंदर घुसा दिया तो क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन। ये कॉन्सेप्शन में है, ये वाला सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन ए हो गया इसका। अब क्वेश्चन सिक्स देखिए, क्वेश्चन सिक्स में देखिए, कंसिडर ट्रायंगल विद वर्टिसेस जीरो जीरो, मतलब एक वर्टेक्स तो ओरिजिन हो गया, राइट, एक वन कॉमा टू है, एक माइनस फोर कॉमा टू है, तो मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कुछ ऐसा दिखेगा, ये ओरिजिन है, वन कॉमा टू ऐसा होगा और ये माइनस फोर कॉमा टू है और ये ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टू यूनिट्स हो जाएगा, राइट। इसका तो नाम कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसको हम पी क्यू आर ले लेते हैं और इसको एस लेते हैं। तो आर एस पता चल गया टू यूनिट्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा ना ये, वो जो माइनस फोर और वन वाला लाइन को जब आप ज्वाइन करोगे तो दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कोई भी पैरेलल लाइन अगर ओरिजिन से एक्सिस पास करता है और पैरेलल लाइन ऊपर से पास कर रहा है, तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया हमारे पास, तो अब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आराम से आ सकता है। तो इसके लिए बेस का वैल्यू चाहिए, राइट। तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए वही है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करना है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं है, आपका बस फाइव यूनिट दिख ही रहा है क्योंकि माइनस फोर इधर है और वन इधर है, तो बेस तो क्या फाइव हो गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हुआ, बी नहीं ए, तो ए क्या हो जाना है, ए हो जाना है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फाइव इंटू टू, तो ये हो जाएगा फाइव यूनिट स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल निकालने के हमको रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें तीनों साइड चाहिए पहले, तो जैसे ही हमें तीनों साइड चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ और बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप पहली बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पैरेलली मिल जा रहा था, तो यहाँ पे फाइव यूनिट्स हो जाएगा। अब पी और आर में डिस्टेंस क्या होगा, आपका जीरो माइनस आर का जीरो और पी का फोर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जीरो प्लस फोर का होल स्क्वायर और ये जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट होगा डिस्टेंस पी आर का, तो पी आर क्या बन जाएगा, सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी, तो फाइव रूट टू, राइट, फाइव रूट टू बन गया। अब जीरो जीरो से वन टू का डिस्टेंस लेना है, तो वो आपको क्या दिख रहा है, वन स्क्वायर और टू स्क्वायर रूट फाइव, तो क्यू आर आपका हो जाएगा रूट फाइव। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू ए बी सी बाई फोर ए, जहां ए आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, राइट। तो ए बी सी तीनों साइड्स है और यहाँ पे फोर ए होगा, तो ये क्या है, ए बी सी तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, यहाँ पे फाइव है, फाइव रूट टू है और रूट फाइव है और एरिया फाइव है,
तो ये क्या हो गया, ये 5 रूट 10 हो गया, राइट। ये हमारा रेडियस आ गया। अगर आपके पास रेडियस आ ही गया, एक मिनट, ये 5 रूट 2 नहीं, ये 2 रूट 5 था, यहाँ पे तो एरर हो गया, 2 रूट 5 होगा। अगर ये 2 रूट 5 हो गया तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 2 रूट 5 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 टाइम्स रूट 5 टाइम्स 5 बाई 4 इंटू 5, तो ये कटेगा 1 5, और ये आपका 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 अगर रेडियस है तो आपको क्या निकालना है, बी बाई ए। तो बी बाई ए क्या होने वाला है, देखिए बी बाई ए होने वाला है आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 5/2 का होल स्क्वायर बाई 5। तो 1 5 तो कट जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा और 5 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/4 जो है ऑप्शन बी में। देखिए क्वेश्चन 1 जो था, जो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए था, वो देख के लग रहा था कि वो आपका बाइनोमियल थ्योरम या नंबर थ्योरी का सम होगा, पर वो निकला बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये ज्योमेट्री का लग सकता था पर ये प्लेन ट्रिगोनोमेट्री था। इसमें लिटरली जो ट्रिक था वही है कि cos2 α को आपको cos2 α-1 लिखना था, यही ट्रिक है उसमें। इस सम में और कुछ नहीं था, इतना आसान सम था ये। आपका ISI में आने वाला क्वेश्चन में से सबसे आसान मूव में से एक होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में आपको बस जो रिलेट करना था वो है कि ये लाइन PQ जो है वो x-axis के पैरेलल है, तो आपको वहां डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। और इम्पोर्टेंट था वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो ये आप जान लीजिए कि ये फॉर्मूला काम आ सकता है आपको कोई और चैप्टर में, ठीक है। ये वाला आपका रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है ABC/4A, ठीक है। ये वाला यूज करने पे आपका सम आसानी से हो जाएगा। और ये फाइनल कैलकुलेशन मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि 1 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 5 रह जाएगा और नीचे 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम लोग 7 8 और 9 करेंगे। चलिए बाय।